नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोगों को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से जो है वस्तुनिष्ठ आपका जो ऑब्जेक्टिव किताब है, जो कि आपका सामान्य ज्ञान का जनरल साइंस का, और इसमें आपका टोटल 101 सेट दिया गया और हर एक सेट में 25 MCQ पैटर्न क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो आज का सेट नंबर 23 करेंगे, ठीक है। और इसमें आपका सिर्फ ऑनली क्वेश्चन चलेगा, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन सर विदाउट एक्सप्लेनेशन। और ये आपका जो वीडियो बन रहा प्ले लिस्ट सिर्फ इसमें आपका रिवीजन पर्पज से वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट सीरीज नंबर 23, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका है सियामी जुड़वा। तो सियामी जुड़वा सियामी ट्विंस प्रयोग होता है, तो सियामी जुड़वा कहाँ प्रयोग होता है, तो वन करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ऐसे जुड़वा के लिए जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो सियामी जुड़वा ऐसे जुड़वा के लिए जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं वहां प्रयोग होता है। टू है इनमें से कौन सा लक्षण मानव में अनुवांशिक होता है, तो इनमें से कौन सा लक्षण मानव में अनुवांशिक होता है, तो टू का ऑप्शन सी रंजक हिंसा एवं फिनाइल केटोन यूरिया में। तो इनमें से कौन सा लक्षण मानव में अनुवांशिक होता है, तो रंजक हिंसा एवं फिनाइल केटोन यूरिया में। क्वेश्चन थ्री है मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी, तो मलेरिया परजीवी की खोज ऑप्शन नंबर है डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने की थी। तो मलेरिया परजीवी की खोज डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने की थी। नंबर फोर है कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि, तो कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि, तो फोर का ऑप्शन नंबर है वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होते हैं। तो कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होते हैं। नंबर फाइव हैपेटोलॉमी, तो हैपेटोलॉजी संबंधित है, तो हैपेटोलॉजी संबंधित है, तो फाइव का ऑप्शन बी यकृत के अध्ययन से, तो हैपेटोलॉजी संबंधित है यकृत का अध्ययन से, लीवर के अध्ययन से। क्वेश्चन सिक्स है वे पदार्थ जो एंटीबायोटिक की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं वे कहलाते हैं, तो सिक्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बायोइनहेंसर। तो वे पदार्थ जो एंटीबायोटिक की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं वे कहलाते हैं बायोइनहेंसर। क्वेश्चन का सेवन है वेस्टर्न ब्लॉटिंग परीक्षण, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट किस रोग के निदान में प्रयुक्त होता है, तो सेवन का ऑप्शन नंबर सी एड्स में। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग परीक्षण आपका एड्स रोग के निदान में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन एट है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे प्रचलित वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे प्रचलित वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो एट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका एमएस वर्ड। क्वेश्चन नाइन है अधोलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सम्मिलित नहीं है, तो नाइन का राइट ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन आपका सही नहीं है, ठीक है, राइबोफ्लेविन बेरी बेरी से आपका नहीं है, ठीक है। कैल्सिफ्लोर अस्थि रुगंधा सही है, नियासिन पिलाग्रा चर्मिदा सही है, और कोबालामिन संघातित रक्तलाप्ता सही है, ठीक है, ये आपका तीन सही है। क्वेश्चन नंबर टेन है हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता वह है, तो टेन का ऑप्शन नंबर है फास्फोरस है। तो हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता वह है फास्फोरस। 21 है सॉरी कुछ में 11 है प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग है, तो 11 का राइट आंसर है, तो प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इनमें से सभी ऑल ऑफ ऑप्शन एंटीबॉडी एंजाइम और सेल आपका कोशिका झिल्ली, ठीक है, तो आपका प्रोटीन जो है एंजाइम कोशिका झिल्ली और आपका जो है एंटीबॉडी तीनों का जो है अंग है, ठीक है। क्वेश्चन 12 है खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है, तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एक दिशीय में, ठीक है, तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है एक दिशीय में। 13 निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता, तो 13 का ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा नहीं करता। 14 है 50 ग्राम की वस्तु का आयतन 20 cm³ है, यदि पानी का घनत्व 1 g/cm² हो तो वह वस्तु पानी में तो ऑप्शन भी डूबेगी, ठीक है। फिर आपका 15 पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो 15 का ऑप्शन बड़ी ओएच माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि का जो प्रतिनिधित्व करती है, तो पीएच मान में 7 से 14 की हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो आपका ओएच माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि का जो है प्रतिनिधित्व करती है। 16 ऑक्सीजन के 2 g परमाणु का भार होता है, तो ऑक्सीजन के 2 g परमाणु का भार क्या होता है, तो 16 का ऑप्शन मुझे
32 ग्राम होता है, फिर आपका 17 है Mn के एक परमाणु परमाणु क्रमांक 25 एवं परमाणु भार 55 के केंद्रक में हो तो 17 का ऑप्शन नंबर डी 25 प्रोटोन होता है, ठीक है। फिर आपका 18 स्थाई अस्थाई न्यूक्लियोलाइट्स, तो अस्थाई न्यूक्लियोलाइट्स वे हैं जिनका n/p का अनुपात है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर n/p = 1, ठीक है। क्वेश्चन 19 है कार्बन का जो समस्थानिक डेटिंग में प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन का जो समस्थानिक डेटिंग में प्रयोग किया जाता है तो वो आपका क्या ऑप्शन नंबर C14 है। क्वेश्चन 20 है दूध है, तो दूध आपका क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है जल में परिचित वसा है, तो दूध आपका जल में परिचित वसा है। 21 है लंबाई को निम्न इकाई द्वारा नहीं मापा जाता, तो लंबाई को निम्न इकाई द्वारा नहीं मापा जाता, तो 21 का ऑप्शन में भी डिवाई में नहीं मापा जाता, लंबाई को डिवाई में नहीं मापा जाता। फिर आपका 22 है समान द्रव्यमान, तो समान द्रव्यमान के दो पिंड एक ऊंचाई की छत से एक के बाद एक गिराई जाती है, उसके मध्य समय के सापेक्ष दूरी का अंतराल होगा, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन में भी बढ़ेगा, तो समान द्रव्यमान के दो पिंड एक ऊंचाई की छत से एक के बाद एक गिराई जाती है, तो उसके मध्य समय के सापेक्ष दूरी का अंतराल होगा बढ़ेगा। 23 है एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश तथा त्वरण सदिश होता है, तो एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश तथा त्वरण सदिश होता है, तो 23 का ऑप्शन नंबर है एक दूसरे के लंबवत होते हैं। 24 है संवेग मोमेंटम का सबसे निकट संबंध है, तो संवेग मोमेंटम का सबसे निकट संबंध क्या है, तो ऑप्शन बी आवेग से है। 25 है ऊर्जा का मात्रक है, तो ऊर्जा का क्या मात्रक, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं है, तो इकाई नहीं वाट और नहीं अश्व शक्ति है, ठीक है, तो ऊर्जा का मात्रक इकाई वाट अश्व शक्ति नहीं है, कोई नहीं है। तो हमने टेस्ट सीरीज नंबर 23 कंप्लीट कर लिया, कल हम आपका टेस्ट सीरीज नंबर 24 करेंगे, ठीक है। तो आज के बस में आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।